नमस्कार दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 29th October 1709, ऑन दिस डे इंग्लैंड एंड द नीदरलैंड साइंड द एंटी फ्रेंच ट्रीटी। आज ही के दिन इंग्लैंड तथा नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 29th October 1794, on this day the French army captured Venlo in the south eastern Netherlands. आज ही के दिन फ्रांसीसी सेना ने दक्षिण पूर्वी नीदरलैंड के बेनलो पर कब्जा किया था। 29th October 1859, on this day Spain had declared war against African country Morocco. आज ही के दिन स्पेन ने अफ्रीकी देश मोरक्को के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 29th October 1864, ऑन दिस डे ग्रीस एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आज ही के दिन यूनान ने नया संविधान अंगीकार किया था। 29th October 1930, ऑन दिस डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन फ्लड्स इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्री अल सल्वाडोर। आज ही के दिन मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में आए बाढ़ से हजारों लोग मारे गए थे। 29th October 1920, ऑन दिस डे जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज फाउंडेड बाई द एफर्ट ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट जाकिर हुसैन। आज ही के दिन पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। 29th October 1923, ऑन दिस डे द तुर्किश रिपब्लिक वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। आज ही के दिन ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की गणतंत्र बना था। 29th October 1942, on this day the Nazis killed 16,000 Jews in Pinsk of Belarus. आज ही के दिन नाजियों ने बेलारूस के पिनास्क में 16,000 यहूदियों की हत्या की थी। 29th October 1945, on this day the first ball point in the world came in the market. आज ही के दिन विश्व में पहला बॉल पॉइंट पेन बाजार में आया था। 29th October 1947, ऑन दिस डे बेल्जियम लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स क्रिएटेड द बेनेलक्स एसोसिएशन। आज ही के दिन बेल्जियम लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड ने बेनेलक्स संघ बनाया था। 29th October 1994, on this day the American Indian National Museum was inaugurated in New York. आज ही के दिन न्यूयॉर्क में अमेरिकी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ हुआ था। 29th October 1999, on this day उड़ीसा had a devastating sea tornado. आज ही के दिन उड़ीसा में विध्वंसकारी समुद्री तूफान आया था। 29th October 2005, on this day 62 people died in serial bomb blast in busy area 2 days before Deepavali in Delhi. आज ही के दिन दिल्ली में दीपावली से 2 दिन पहले व्यस्त इलाकों में आए सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत हुई थी। 29th October 2012, on this day सैंडी स्टॉर्म on the east coast of the United States killed 286 people. आज ही के दिन अमेरिका के पूर्वी तट पर सैंडी तूफान के कारण 286 लोगों की मौत हुई थी। 29th October 2015, on this day China had announced the elimination of a child's policy. आज ही के दिन चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में इतना ही।
और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। Oh,